तो डिस्कशन हमारा चल रहा था EIGRP में, कौन सा कुछ उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था हमने, क्या डिस्कस किया था कि उसकी AD वैल्यू क्या होती है, मैट्रिक क्या होती है, कौन सा एल्गोरिदम रन करता है ठीक है, ये सारी चीजें डिस्कस किया था हमने। और कौन सा टाइप का प्रोटोकॉल है ठीक है, IGP प्रोटोकॉल है। तो मैं मैट्रिक वाली बात को यहाँ आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ देखना एक बार, स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? हाँ सर, विजिबल है। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ की वैल्यूज बताई थी, के वैल्यूज बताई थी, बताई थी ना, कौन कौन सी थी? बैंडविड्थ मैं इसको फॉर्मेट का फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ। ये वैल्यूज बता रहे थे, लोड बैंडविड्थ कॉस्ट। ये ना दो टाइप में डिवाइड की गई है। तो फिक्स मैट्रिक होती है और दूसरा वेरिएबल मैट्रिक। भाई हमारे पास मैट्रिक कौन कौन सी थी, मैट्रिक कौन कौन सी थी, K1 K2 K3 K4 K5, ये सब थी ना मैट्रिक। हाँ सर, तो ये सब मैट्रिक थी हमारी। तो जो की वैल्यूज है ना, इसमें से कुछ फिक्स कंपोनेंट है कुछ वेरिएबल है ठीक है। बात करेंगे कौन से फिक्स है कौन से वेरिएबल है, कुछ फिक्स है कुछ वेरिएबल है ठीक है। तो फिक्स जो की वैल्यूज है वो कौन कौन सी है, वो है आपकी K1 K3, वेरिएबल कौन कौन सी है K2 K4 ठीक है। और K1 K2 K3 K4 कौन कौन सी होती है, K1 कौन सी होती है, बैंडविड्थ, K2 लोड, K3 डिले, K4 रिलायबिलिटी, K5 MTU। तो इन सब में से हम सिर्फ K1 K3 को ही लेते हैं ठीक है। वो बात करेंगे क्यों लेते हैं, उसको कुछ रीजन भी। देखो जनरली जब हम मैट्रिक कैलकुलेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं ना, K1 एंड K3 को कंसीडर किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन होता है, हम वही कंपोनेंट वही वैल्यूज है वही लेना चाहते हैं, वो फिक्स रहे जो चेंज ना हो बार बार, जो चेंज ना हो ठीक है, वही कंपोनेंट लेन में जाते हैं। K1 क्या है, बैंडविड्थ आपको एक बार सेट होगी तो वही रहेगी ठीक है। और ऐसे ही डिले ठीक है, ये भी एक बार सेट रहेगा। इंटरफेस का जो डिले होगा वो इंटरफेस का डिले कंसिडर किया जाता है, तो वो फिक्स है आपका। लेकिन बाकी के जो पैरामीटर्स है वो चेंजेबल हो सकते हैं ठीक है। जैसे लोड है, लोड तो आपका चेंजेबल भी हो सकता है ठीक है, वो ऑटोमेटिक वेरी करेगा वो तो लोड के अकॉर्डिंग। अगर कई बार राउटर पे ट्रैफिक कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है ठीक है, तो वेरी करता है तो लोड भी वेरी करेगा
ठीक है, तो हमारे फॉर्मूले में हमने K1 K3 ही कंसिडर किया गया था, ताकि जो राउटर है वो जो मैट्रिक वैल्यू कैलकुलेट करेगी थोड़ा स्टैटिक वैल्यू पे कैलकुलेट करे, यानी कि बार बार चेंज होता रहे, वो बार बार चेंज नहीं करनी, एक बार जो निकल गई उसकी वो निकलती रहे बस, जब तक डाउन अप या फिर कुछ एडिशन ना हो उसमें। वो जैसे R1 to R6 एक पाथ बन गया, तो उसके मैट्रिक बार बार चेंज ना हो, कंटिन्यूसली चेंज होगी तो प्रॉब्लम है ना, चेंज होगी तो राउटर को बार बार एल्गोरिदम रन करना होता है, ठीक है, बार बार एल्गोरिदम रन करना होगा ना। एल्गोरिदम रन क्यों क्यों करना पड़ेगा, ताकि वो बेस्ट पाथ फाइंड आउट कर सके, ठीक है। तो मैट्रिक कैलकुलेट बार बार करेगा यार वो पाथ एक बार देखने के लिए, बार बार ट्रैफिक भेजना तो मैट्रिक कैलकुलेशन करेगा, चेंज होती रहेगी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, ठीक है। तो हम ऐसे ही कंपोनेंट लेते हैं के वैल्यूज में जो फिक्स रहे, स्टैटिक रहे, ठीक है। वो K1 and K3 यूज करते हैं हम, ठीक है, फॉर्मूले में K1 plus K3 बैंडविड्थ प्लस डिले। चलो फिर सिस्को की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। सिस्को ये रिकमेंड किया जाता है कि ये दो कंपोनेंट यूज करो जो फिक्स कंपोनेंट होते हैं इसके। देखो इधर क्या है, R2 कुछ राउट शेयर कर रहा है, कौन सा, 10.1.1.0/24, ऐसे ही R3 भी R1 को दे रहा है सेम सेम राउट, ठीक है। अभी ऊपर वाले पाथ से मैट्रिक कितनी आ रही है, 100, नीचे से कितनी है, 150, ठीक है। तो लोअर जो मैट्रिक होती है वही हमेशा प्रेफरेबल होती है, ठीक है। लोअर मैट्रिक वाला पाथ, जिस भी पाथ से हमें लो मैट्रिक मिलती है उसी पाथ का राउटर क्या बनाता है, बेस्ट बना देता है, ठीक है। ऊपर वाले पाथ से मैट्रिक कितनी लो मिली हुई ना, 100 और 100 less than 150 है ना, तो पाथ वाया R2 क्या हो जाएगा, बेस्ट पाथ हो जाएगा, राउटिंग टेबल में इंस्टॉल हो जाएगा ये, ठीक है। अभी क्या हुआ, कुछ टाइम बाद इस राउटर पे क्या हुआ, लोड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, लोड इंक्रीज होते क्या हो जाएगा, मैट्रिक इंक्रीज हो जाएगी, सपोज करो इंक्रीज होकर 200 होगी, नीचे से पाथ लोड उतना ही है, यहाँ 150। अब की बार क्या हुआ, 200 greater than हो गया 150, तो नेक्स्ट टाइम वाया R2 बेस्ट पाथ बन जाएगा। तो ये राउटिंग टेबल ना फ्लक्चुएशन होती रहेगी, तो इस टाइप की आप फ्लक्चुएशन चाहते नहीं, क्योंकि आपने चाहते बार बार राउटिंग टेबल में चेंज हो और इस टाइप की जो एल्गोरिदम है वो रन करे राउटर, क्यों, क्योंकि उस दौरान जब राउटर एल्गोरिदम रन करता है तो राउटर के जो मेन मेन CPU यूटिलाइज होता है, ठीक है। आप नहीं चाहते वो बार बार यूज हो, राउटर से बार बार यूज करे, बार बार वरना उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि बार बार यूज करेगा अपना कैलकुलेशन, आउटपुट कम देगा फिर, ठीक है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस टाइप के सिनेरियो से बचने के लिए हमने क्या किया, सिस्को ने रिकमेंड किया कि आप K1 and K3 यूज करो फॉर्मूले में, ठीक है। वैल्यूज आपकी सारी जाएंगी नो डाउट, जैसे R1 है ना, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ स्विच है, एक लैन यूजर इधर है, स्विच एक लैन यूजर इधर है H2, और H1 to H2 कम्युनिकेट करना है आपको, और बीच में आपका EIGRP प्रोटोकॉल है, तो नो डाउट ऑल सारी वैल्यू कैरी करेंगे, तो मैं आपको बता रहा था कि H1 से H2 अगर कम्युनिकेट करना है, ठीक है, दो एंड यूजर से मेरे, एक H1 है H2 है, अगर उनको आपस में कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो और आपने R1 R2 R3 पे क्या किया हुआ है, EIGRP की कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, जो आपने IP राउटिंग की हुई है वो EIGRP की हुई है, ठीक है। तो R1 से जब R2 आपका EIGRP जो मैसेज जाते हैं ना, ठीक है, जो ऐसे अपडेट जाएगी EIGRP की, जो राउटिंग अपडेट जाएगी ना भाई, इसमें कुछ अपनी लोकल राउटिंग टेबल होगी, इसकी डायरेक्टली कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन होगी, वो अपने नेबर को शेयर करेगा ना, ठीक है, R2 के साथ शेयर करेगा, ऐसे ही R2 अपने जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं वो R1 को शेयर करेगा, ठीक है, ऑटोमेटिक EIGRP की हेल्प से। तो उसमें जब शेयर करेगा ना अपडेट में, तो K1 भी जाएगा, K2 भी जाएगा, K3 भी जाएगा, K4 भी, K5 भी जाएगा,
मैं आपको दिखाऊंगा ये, ठीक है, सारी वैल्यू जाएंगे, लेकिन मैट्रिक कैलकुलेशन की, जब राउटर मैट्रिक कैलकुलेट करेगा ना, R1 अगर मैट्रिक कैलकुलेट करेगा कहाँ तक रीच करने के लिए, ये S2 पे कोई 11.1.1.0/24 नेटवर्क चल रहा है, जब R1 अपनी राउटिंग टेबल में इस राउट को डालेगा ना, तो मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए K1+K3 ये फॉर्मूला यूज करेगा, K1+K3, ठीक है, K1+K3। उसकी मैंने बताई थी ना, मैं मैट्रिक का फॉर्मूला बताया था मैंने, 10^7 अपॉन में बैंडविड्थ प्लस में डिले अपॉन में 10 × 256, ठीक है, उसमें K1+K3 बैंडविड्थ प्लस डिले × 256 यही था ना, तो K1+K3 आपकी वैल्यूज होंगे मैट्रिक कैलकुलेशन में, ठीक है। नो डाउट कि सारे राउटर के पास सारी वैल्यू अवेलेबल होंगी, लेकिन दो ही यूज होंगी आपकी, ठीक है, K1 और K3। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, सर? क्लियर है। और ये तो पता है ना आपको कि जैसे ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये मेरा स्विच है, ये भी मेरा एक स्विच है, यहाँ पे एक होस्ट है, ये होस्ट एंड यूजर है। अब 10.1.1.0/24 इधर चला 11 वाला नेटवर्क, ठीक है, 10 to 11 क्या करना है आपको, पिंग करना है। तो जैसे आर ये भाई ये तो शेयरिंग होगी, ठीक है, ऐसे शेयरिंग होगी, ठीक, और ऐसे भी जाएगा ये, ठीक है, दोनों तरफ जाएगा पैकेट, 10 वाला इधर जाएगा, 11 वाला इधर जाएगा, ठीक है। तो R3, R1, R2, R3 के पास तो दोनों नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब जो पैकेट ये R1 के पास पहुंचेगा ना, ये 11 वाला भाई अपनी R1 अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करेगा ना, ये R1 अपनी राउटिंग टेबल में कौन सा इंस्टॉल करेगा, 11 वाला भी तो करेगा, 11 वाला भी करेगा, 10 वाला भी करेगा। तो 11 वाला कैसे करेगा, जब उधर से पैकेट आएगा ना, कहाँ से आएगा, राइट साइड से, ठीक है, जब राइट साइड से पैकेट आएगा ना ऐसे R1 के पास, तो अपनी राउटिंग टेबल में अपन बैंडविड्थ, बैंडविड्थ कौन सी होगी, सपोज करो ये 100 Mbps है, ये 100 Mbps है, ये 10 Mbps है, तो लोएस्ट मैट्रिक ले, लोएस्ट बैंडविड्थ लेगा, ठीक है, लोएस्ट बैंडविड्थ कंसीडर करेगा पूरे पाथ में। और ये इतना ही तो बात है हमारा खाली, हाँ सर, 10 Mbps, तो 10 Mbps, ठीक है, प्लस में अब डिले होता था, क्यूमुलेटिव डिले, जो जो भी इंटरफेस रिसीविंग में करना पड़ेगा, हाँ ये KBPS में करना पड़ेगा, 10 Mbps है, तो इसको 1000 कर देना, राइट, और देखना इसमें डिले, जो भी R1 तक रीच करने के लिए रिसीविंग इंटरफेस है ना डिले, इसका डिले कंसीडर कर लेना, इसका डिले ऐड हो जाएगा D1, एक R2 का इस वाले इंटरफेस का होगा D2, और एक R1 का इस वाले इंटरफेस पे, ठीक है, D3, तो D1+D2+D3 अपॉन में क्या 10 था, इनटू में 256 कैलकुलेशन, ऐसे फॉर्मूले, क्यूमुलेटिव डिले, रिसीविंग साइड का ही आप डिले लोगे, ठीक है, ट्रांसमिटिंग साइड का नहीं लोगे, भाई R3 से यहाँ ट्रांसमिट कर रहा है ना, ये ट्रांसफर भी तो कर रहा है, तो इसका डिले कंसीडर मत कर लेना, ये नहीं होगा, सिर्फ रिसीविंग साइड का, रिसीवर का, ठीक है, ये कंसीडर होगा, लेकिन ये सेकंड वाले पाथ के लिए होगा, जब पैकेट ऐसे जाएगा, जब यहाँ रिसीव करेगा, जब यहाँ रिसीव करेगा, तो तब तब इसको कंसीडर करोगे, पाथ को डिपेंड करता है किस किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ट्रांसमीटर साइड मत कंसीडर करना, रिसीवर साइड ही कंसीडर करना हमेशा डिले को, और बैंडविड्थ हमेशा लोएस्ट बैंडविड्थ ही कंसीडर होगी आपके कंप्लीट पाथ में, ठीक है। चलो इतना हो गया, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ EIGRP में जो मैक्सिमम पाथ होते हैं ना, मैक्सिमम पाथ वो कितने होते हैं, बाय डिफॉल्ट 4, बाय डिफॉल्ट
बाय डिफॉल्ट कितने होते हैं 4। इसका क्या मतलब है, इसका कहने का क्या मतलब है ये देखो कि बाय डिफॉल्ट 4 का क्या मतलब है मैक्सिमम पावर। सर ऑडिबल नहीं हो रहा। हाँ मैं बोल रहा हूँ, पेन चला गया था यार, टू है यार, थ्री है यार, फोर है यार, फाइव है। ठीक है, आर वन आर टू आर थ्री आर फोर। ठीक है, अभी क्या है जो मैट्रिक है ना, मैंने क्या बताया था आपको कि मैट्रिक कंसीडर, मैट्रिक पे डिपेंड करता बेस्ट पाथ। जो भी मैट्रिक का क्या मतलब था, मैट्रिक का ये मतलब था कि जिस भी पाथ से लोअर मैट्रिक मिलेगी उसी पाथ से ट्रैफिक स्टार्ट हो जाएगा, उसी पाथ से ट्रैफिक क्या हो जाएगा, जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी आर टू आर थ्री आर फोर आर फाइव से हमें सेम प्रीफिक्स रन हो रहा है। ठीक है, 10.1.1.0 रन हो रहा है, आर वन से भी आर टू से भी आर एक आर टू से आर थ्री से आर फोर से आर फाइव से। ठीक है, इन जो है ना ये सारे यहाँ से हमको सेम प्रीफिक्स मिल रहा है। तो राउटर जो आर वन है इसकी राउटिंग टेबल में एक को ही बेस्ट पाथ बनाया गया। ठीक है, सबको तो बना नहीं, ठीक है एक को बनाएगा, लेकिन अब की बार क्या है इसमें मैट्रिक आपकी इक्वल है भाई, जिसकी भी मैट्रिक लोअर होगी इसको बेस्ट बना लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, सबकी मैट्रिक इक्वल है, ऐसा हो सकता है ना सबकी मैट्रिक इक्वल हो। सपोज करो सबकी मैट्रिक कितनी 100 है, तो ये क्या करेगा चारों पांच से क्या कर देगा, लोड बैलेंसिंग स्टार्ट कर देगा। चारों पांच से लोड बैलेंसिंग क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा, यहाँ से भी जाएगा यहाँ से भी जाएगा यहाँ से भी जाएगा, लोड बैलेंस कर देगा चारों पांच से। ठीक है, तो यही, और अगर ऐसा हो तो ये आर वन है, ये आर टू, ये आर थ्री, ये आर फोर। आवाज नहीं आ रही है आपकी। क्या कह रहे हो, आवाज नहीं, आवाज नहीं आ रही है, आवाज अभी भी नहीं आ रही क्या, तो बोल रहा हूँ यार मैं बहुत कम आ रही है ना, आ रहा है अभी स्लोअर, मतलब बीच में पूरा चला गया था अभी स्लोअर है। अरे बीच में बोल नहीं रहा था, अब कैसी है, अब ठीक, थोड़ा ठीक है, अब ठीक है, आवाज आ रही नहीं आ रही मुझे, खुल के बताओ। हाँ हाँ अभी आ रहा है, अभी सही। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था आपको, देखो R1 है ये लेफ्ट वाले डायग्राम में, देखो इधर। ठीक है, R1 R2 R3, R1 को सेम प्रीफिक्स मिल रहा है 10.1.1.0/24, R2 से R3 से R4 से R5 से। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मैट्रिक चेक करेगा चारों पाथ से, अगर मैट्रिक जिससे जिस भी पाथ की लोअर मैट्रिक होगी उसी पाथ को क्या बना लेगा, बेस्ट बना लेगा। क्या मतलब है इसका, कि उसी पाथ को कंसीडर करेगा, राउटिंग टेबल में स्टोर कर लेगा और सारा सारा ट्रैफिक उसी पाथ से जाना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन क्या हो अगर मैट्रिक इक्वल हो, क्या हो अगर मैट्रिक इक्वल हो चारों पाथ की, तो क्या हो जाएगा, लोड बैलेंसिंग हो जाएगी भाई, लोड बैलेंसिंग हो जाएगी, लोड शेयरिंग हो जाएगा चारों पाथ से। ठीक है, चारों पाथ से क्या हो जाएगा, लोड शेयर हो जाएगा, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग हो जाएगी।
अगर ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ चार की जगह आठ पाथ हो भाई। अब क्या पिछली बार तो चार पाथ से मिल रहा था, अब की बार आठ पाथ से हमको सेम प्रीफिक्स मिल रहा है, सेम मैट्रिक है सबकी। तो बाय डिफॉल्ट यार फोर से ही लोड बैलेंस करेगा, बाय डिफॉल्ट फोर से ही लोड बैलेंस करेगा, वो नीचे के जो तीन है उनको छोड़ देगा, उनको कंसिडर नहीं करेगा, सिर्फ चार पाँच से ही लोड बैलेंस करेगा। ठीक है, चार पाँच से ही। अगर आप ये चाहते हो कि यार उन आठ के आठ से भी लोड शेयर करे, तो आपको कमांड डालनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें क्या है, मैक्सिमम पाथ आपको चेंज करने पड़ेंगे। वो फोर्थ है ना कि सिर्फ चार पाथ से ही मैक्सिमम पाथ है, चार पाथ से ही हमारे पास ट्रैफिक फ्लो हो सकता है। ठीक है, चार पाथ से एक प्रीफिक्स के लिए। ठीक है, अगर सेम प्रीफिक्स मेरा अगर चार मोर देन फोर पाथ से मेरे को मिलता है, सेम प्रीफिक्स मेरा मल्टीपल पाथ से मिलता है, और उसमें मल्टीपल पाथ का क्या मतलब है, चार से ज्यादा, तो आपको कमांड डालनी पड़ेगी इसके लिए अलग से। अगर चार ग्रेटर मतलब चार से ज्यादा पाथ पर आप ट्रैफिक कैरी कराना चाहते हो तो। ठीक है, तो ये कितना कर सकते हैं, डिपेंड करता है आईओएस पे। ठीक है, 16 एंड 32। ठीक है, जो आपका आईओएस है ना, जो 12 वाला वर्जन था या फिर लेस देन 12, उसमें 16 ही थे, लेकिन 16 के बाद 32 उसमें अपग्रेड हो गए। ये डिपेंड करता है आपका आईओएस के, आईओएस टू आईओएस डिपेंड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है आपका। ठीक है, वहां आपको चेक करना पड़ेगा कि इसमें ये जेएलपी के लिए कितने सपोर्टेबल है, मैक्सिमम पाथ फोर है कितने है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट फोर ही होते हैं, लेकिन आप चेंज कर सकते हो उसका मैक्सिमम। ये इतना क्लियर है? हाँ इतना क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। आवाज मुझे ही नहीं आ रही है, किसी को भी नहीं आ रही है।
अभी तो आवाज नहीं है। हेलो हेलो हेलो, अरे मैं कह रहा हूँ मेरी आवाज कुछ से नहीं आ रही। सर अब आ रही है, काफी टाइम से नहीं आ रही मुझे लग रहा है। सर अरे मैं बोलता गया वो डिवाइस स्विच ऑफ हो गया यार, मुझे पता ही नहीं था। सॉरी यार बैटरी लो हो गई इसकी, अभी दिक्कत है। जैसे मैंने नया माइक ऑर्डर कर दिया तो कुछ दिनों में प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी यार। तो यार ये अच्छा ये उसके ऊपर क्या था यार वो एडी वाला, पता है सुना नहीं सुना? एडी वाली 90 होती है, मल्टी कैसेट रिस्पॉन्स होता है। नहीं ठीक है वही देख लो सबसे पहले। तो देखो एडी वैल्यू कौन सी होती है इसकी, एजरपी की, एक 90 होती है एक 170 होती है। बात करेंगे कौन कौन सी कब होगी। दो एडी वैल्यू होते हैं 90 170, और एक एजरपी मल्टी कास्ट एड्रेस यूज करता है 224.0.0.10। ठीक है 224.0.0.10 बात करूंगा इसकी, ये भी कैसे यूज होता है। और एक प्रोटोकॉल नंबर होता है इसका, आईपी प्रोटोकॉल नंबर कौन सा 88। बात करूंगा ये भी कैसे यूज होगा ये, ठीक है आईपी प्रोटोकॉल नंबर। ठीक है चलो मैं समझा देता हूँ ये तीनों चीज कैसे यूज होंगी। दोनों चीज ये देखो, ये R1 है, ये R2 है, ये 12.1.1 है, ये 12.1.1.2 है। R1 अपना EIGRP पे कोई मैसेज, या EIGRP अपने क्या किया कॉन्फ़िगरेशन कर दिया हमने EIGRP, तो होगा क्या EIGRP अपने कुछ मैसेजेस जनरेट करेगा, वो कौन सी लेयर पे होंगे, लेयर 3 पे। ठीक है EIGRP कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है, लेयर 3 का। तो EIGRP ने क्या किया, कोई मैसेज जनरेट कर दिया अपना, ये कर दिया। कौन सी लेयर को हैंडओवर कर देगा, लेयर 3 को हैंडओवर करेगा आईपी प्रोटोकॉल को। आईपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, सोर्स आईपी अटैच करेगा और डेस्टिनेशन आईपी। डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 224.0, वो मल्टीकास्ट एड्रेस। भाई उसको नहीं पता आर1 को कि आर2 के साथ कनेक्टिविटी है। ठीक है आर1 कनेक्टिविटी इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। ठीक है चारों तरफ हो सकती है, तो जिधर से भी इसको रिप्लाई मिलेगा ना, जिधर से भी इसको रिप्लाई मिलेगा और कुछ एग्रीमेंट होगा उसके साथ क्या बना लेगा, वो नेबरशिप बना लेगा। वो बात करेंगे कि नेगोशिएशन या फिर एग्रीमेंट किन चीजों पे होगा, वो कौन कौन से वैल्यू होंगे कि नेबरशिप बनने के लिए। ठीक है लेकिन आर1 को तो भी नहीं पता है, तो आर1 फिर ये पैकेट किसको भेजेगा, वो भेजेगा मल्टीकास्ट मल्टी, जो भी जिस भी राउटर पर आप EIGRP की कॉन्फ़िगरेशन करोगे वो राउटर क्या करता है, ये वाला एड्रेस है ना ज्वाइन कर लेता है 224.0.0.10, इस मल्टीकास्ट एड्रेस को क्या कर लेता है ज्वाइन, इसको लिसन करना स्टार्ट कर देता है, इस पर लिसन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है जैसे आप लोग अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हो ना, ठीक है अब आपने मुझे बना लिया किसी ग्रुप में ऐड कर दिया, तो जो भी मैसेजेस होंगे वो फिर मैं देख पाऊंगा, ऐसे तो देख नहीं पा रहा। ठीक है और उसमें ऐसे भी लोग होते हैं जो अननोन होते हैं, ठीक है एक दूसरे को नहीं जानते ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो लेकिन उनके पास मैसेजेस जा रहे हैं, अगर उनके कुछ काम का हुआ तो रिप्लाई दे देते हैं। ठीक है ऐसे ही आर1 क्या है, ये भी व्हाट्सएप के उस यूजर के, व्हाट्सएप के ग्रुप के यूजर की तरह ही है, उसे नहीं पता इसमें कितने कनेक्टेड है, सबको जानता नहीं जानता, वो सबको ब्रॉड कर, सबको कह रहे सबको भेज रहा है एक तरीके से। ठीक है जितने उस ग्रुप में एडेड मल्टीकास्ट कर रहा है, जितने उस ग्रुप में एडेड है सबको ब्रॉडकास्ट तो नहीं कर रहा, आप सबको नहीं भेज रहे ना अपने मोबाइल में, जितने भी कॉन्टेक्ट है सबको मैसेज नहीं भेज रहे, सिर्फ ग्रुप में भेज रहे हो, एक मल्टीकास्ट कर रहे हो।
ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, मल्टीकास्ट करेगा, लेकिन कौन से ग्रुप में करेगा, कौन से एड्रेस पे करेगा। मोबाइल में तो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं आपके पास, नेम होते हैं उनके ग्रुप के, ठीक है। इधर भी इधर के सेम ऐसे ही है, इधर क्या एड्रेस है, मल्टीकास्ट एड्रेस है, तो कौन सा है वो .10 224.0.0.10, इस पर मैसेज भेज देगा। अब इस पर जो रिप्लाई, इस पर जो सुनेगा वो रिप्लाई दे देगा यार, वो उसके लिए अवश्य बन जाएगी फिर, ऐसा ही ठीक है। तो चलो मैं क्या बता रहा था आपको, तो ये मैसेज यहाँ डेस्टिनेशन के ये 224.0.10 लग गया, और ये मैसेजर आया किसने, आईपी प्रोटोकॉल को ये मैसेज दिया किसने, आईपी प्रोटोकॉल को जी, ये एजेपी वाला मैसेज है आया कहाँ से, ये अपनी इन्फॉर्मेशन तो रखेगा ना आईपी प्रोटोकॉल को, भाई आईपी प्रोटोकॉल को दुनिया भर की चीजें इन्फॉर्मेशन देती है, तो ये तो अपने पास नोट करके रखेगा ना, तो नोट कहाँ रखता है, वो करता है आईपी प्रोटोकॉल नंबर में, क्या होता है 88, तो ये मैसेज कर लेगा कि 88 सा मैसेज, ठीक है। ये क्या करेगा, लेयर टू को दे देगा, मैक वगैरह लगा देगा, मैक लगा के दे देते हैं, इसके पास पहुंचे आर टू के पास पहुंचे, ठीक है। डेस्टिनेशन मैक पता है क्या, मल्टीकास्ट का, ये मल्टीकास्ट एड्रेस का हमेशा जो मैक एड्रेस होगा ना वो मल्टीकास्ट मैक एड्रेस, मल्टीकास्ट ही होगा, फिक्स होता है इसका मैक, फिक्स होगा, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको क्या होगा, वो जब पैकेट खोल के दिखाऊंगा उधर दिखाऊंगा, तो आर टू के पास जब फ्रेम पहुंचेगा ना, वो तो मल्टीकास्ट उसने एआईजेपी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है तो वो ज्वाइन कर रखा है, उसको क्या कर लेगा, एल टू एक्सेप्ट कर लेगा, एल टू हेडर को, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेगा। तो नेक्स्ट किस पे पहुंचेगा, लेयर थ्री में, लेयर थ्री पे गए, डेस्टिनेशन चेक करेगा सबसे पहले तो 224.0.0.AIGRP के लिए, तो मैं तो ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन डन है इसमें, तो एक्सेप्ट करो इसको। कोई मैसेज आया है इसमें, आर टू देखो कोई मैसेज आया है, और किसके लिए, 88 के लिए, 88 पे कौन वर्क कर रहा है, AIGRP, भाई इस पे ऐसा भी तो सकता है वो इस पे वर्क कर लो, तो मैसेज देगा किसको, AIGRP को देगा, सिर्फ को देगा, वो चेक करेगा 88, अच्छा 88 को देना है, 88 का क्या नाम है, AIGRP, तो क्या करेगा, AIGRP को क्या करेगा, वो मैसेज क्या करेगा, दे देगा। इस तरीके से अपडेट पहुँचते हैं, ठीक है, मैसेज का ट्रांसफर ऐसे होते हैं AIGRP के, एंड टू एंड ये ऑपरेशन है इसका। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट, हेलो, नहीं सर क्लियर, ठीक ओके। तो मैंने AIGRP में आपको बता देना कि अगर मैक्सिमम होप डिपेंड, मैक्सिमम होप लिमिट कितनी होती है, 100, इसको आप चेंज कर सकते हो, 255 कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट 100 होती है, 255 मैक्सिमम होती है, इसे ज्यादा नहीं लेके जाओगे। एक ही इसमें, एक ग्रुप में, अगर आपको ग्रुप चेंज करना पड़ेगा, और जो समराइजेशन इस पे क्या होती है, बाय डिफॉल्ट समराइजेशन बाय डिफॉल्ट क्या होती है, इस पे डिसेबल रहती है। समराइजेशन का क्या मतलब है, ये ऑप्शन लो, एक वर्ड होता है कौन सा, समराइजेशन, क्या होता है समराइजेशन, ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो ऑटो होता है, दूसरा मैनुअल होता है। ऑटो राउटर खुद से करता है, मैनुअल एडमिन करता है, हम लोग करते हैं, ठीक है। ऑटो में राउटर खुद से परफॉर्म करे, इसमें क्या होता है, बाय डिफॉल्ट डिसेबल होगा, आपको खुद से इनेबल करना पड़ेगा, आपको खुद बताना पड़ेगा, मतलब समराइजेशन का क्या मतलब है। देखो ऐसा होता है, R1 पे ना कुछ प्रीफिक्स है, ठीक है, अभी इतने सारे 10 के प्रीफिक्स जा रहे हैं, ठीक है।
अभी क्या करना है, राउटिंग टेबल तो यार साइज इंक्रीज हो गई होगा, लेकिन कई बार आपकी रिक्वायरमेंट ऐसे आते हैं कि यार इतने सारे प्रीफिक्स मेरे को नहीं चाहिए, प्रीफिक्स काउंट कम करो, तो देखना ये प्रीफिक्स सारे 10 के हैं, 10.1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनको क्या कर सकते हो, समराइज कर सकते हो 10.1 में, ठीक है, इनको आप एक एड्रेस में लिख सकते हो 10.1.1.0 ऐसे लिख सकते हो ना, फिनिश 24 में इसमें सारे आ जाएंगे, ठीक है, सारे लाई करेंगे फिनिश 24 में, 1 भी आएगा, .1.3 सारे आ जाएंगे, 16 कर दो, ये वैल्यू चेंज हो रही है, पहली दो तो कांस्टेंट है, ये चेंज हो रही है, तो 16 बिट्स अब चेंज कर नहीं सकते, नेटवर्क की है ना, नेटवर्क बिट है, इनको हम मत लगाना, यहाँ चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये ऐसा कर सकते हो ना, ये क्या हो गया, मैनुअल समराइजेशन हो गया, राउटर कुछ से भी कर लेता है, मतलब इन शॉर्ट कहने का क्या मतलब है, जैसे होता ना एक फैमिली हुई, ठीक है, एक फैमिली है, कौन सी फैमिली है, कोई कपूर फैमिली है, ठीक है, उसमें कई सारे बच्चे हैं, राम कपूर, श्याम कपूर, ठीक है, और मोहन कपूर, दीपक कपूर, शक्ति कपूर, ठीक है, अब यार इतने सारे बार बार जा रहे हैं, मतलब किसी के घर आ रहे हैं, ठीक है, भाई आपके घर मेहमान आए, तो आप ऐसे क्योंकि यार ये आप किसी से उनका क्या करा रहे हो, इंट्रोडक्शन करा रहे हो, ये शक्ति कपूर है, ये महात्मा कपूर है, मोहन कपूर है, राम कपूर है, श्याम कपूर है, एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका आप ये भी कह देते हो, अरे कपूर के यहाँ से आए, ठीक है, शॉर्ट में बता देते यार, कान भाई ये कौन है, पूछते ना एक बार अपने घर में मानती है कौन है, तो बता देते ना यार उस गांव से आए यार, ये यार ये दिल्ली के रहने वाले, दिल्ली वाले यार, ये जनरली कहते हैं दिल्ली वाले यार, मास्टर वाले समझ जाते हैं दिल्ली वाले, अच्छा, या फिर ऐसे कह देते हैं यार ये कपूर हुआ है, कपूर फैमिली के, उसे कोई मतलब नहीं है यार, बच्चा है बाला फाला डेगाना, किसका बेटा है, नाम क्या है, शाम क्या है, क्या मतलब, उसे खाली परिचय कराना, वो बोल दिया उसने भाई कपूर फैमिली से, तो उसने क्या किया एक शॉर्ट में समराइज कर दिया सबको, तो ऐसे ही राउटर पे जितने सारे राउट जा रहे हैं ना, इनको इंडिविजुअल ना भेज के सिर्फ एक ही प्रीफिक्स में भेजोगे, काहे को इतना राउटिंग टेबल का साइज बढ़ा देना, ठीक है, आगे मैं आपको समराइजेशन के बेनिफिट बताऊंगा अलग से जब मैं टॉपिक करूंगा और डिटेल्ड में, तो अभी आपको मैंने बताया कि समराइजेशन का थोड़ा ओवरव्यू बताया सिर्फ, जस्ट एक एक झलक बताई, एक लुक, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो मैं आपको प्रूफ के साथ हम लैब करेंगे तो देखेंगे, तो जो पुराने वाले आईओएस थे ना उसे ओपन समराइजेशन आपको डिसेबल करनी पड़ती थी, लेकिन जो नई आईओएस आए 15 वाला जैसा आया आईएस, तो उसमें ऑटो समराइजेशन ऑलरेडी डिसेबल हो जाती थी, वरना पहले आपको बार बार डिसेबल करता राउटर खुद ही कर देता था, हम नहीं चाहते राउटर खुद से करे, एक राउटर जो खुद से करता था ना वो 10 वाले नेटवर्क को /8 में नंबर क्लास के हिसाब से करता था, 10 वाला तो /8, कोई 192 वाला है तो उसको /24, कोई 170 वाला है 128 से 191 तक तो उसे /16 में ब्रेक कर देता, लेकिन हम नहीं चाहते ना सब ब्रेक करें, तो समराइटिंग समझते हैं, ठीक है, तो मैनुअली क्या करो वो मैं बताऊंगा आपको कि समराइजेशन मैनुअली कैसे करते हैं, और इसमें जो कैलकुलेशन होगी वो कौन सा एल्गोरिथम, कौन सा एल्गो की होगी, ड्यूअल एल्गो बोल जाता है, ड्यूअल एल्गो, ठीक, कौन सा, ड्यूअल एल्गो, ये R1 है, ये R2 है, ये R2 अपने कौन कौन से नेबर, कौन कौन से टेबल मेंटेन करता है, एक तो नेबर टेबल बताई थी मैंने, एक होती टोपोलॉजी टेबल और एक राउटिंग टेबल, ये जब भी बात करो ये देखो टोपोलॉजी टेबल होती है, ये तीन टाइप की टेबल, नेबर में कौन सा डेटा आता है डायरेक्टली कनेक्टेड का, टोपोलॉजी में ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ठीक है, R1 को
R1 to R4 जाना है, R1 to R4 जाना है, ऊपर से भी रास्ता है नीचे से भी रास्ता है, ठीक है। तो ये दोनों पाथ पाथ वन एंड पाथ टू कहाँ चले जाएंगे, टोपोलॉजी टेबल में। और इस जो ये डेटाबेस बना है टोपोलॉजी में, इसके ऊपर क्या रन होगी भाई, ड्यूअल एल्गोरिथम रन होगी। वो कहीं रन होगी, टू फाइंड द बेस्ट पाथ। बेस्ट पाथ कहाँ जाएंगे, राउटिंग टेबल में स्टोर करेंगे, ठीक है। राउटिंग टेबल में, टोपोलॉजी से राउटिंग टेबल में जाने के लिए ड्यूअल एल्गोरिथम रन करनी होगी, ठीक है। और ये जो दो पाथ थे ना, इसमें से एक बेस्ट बन जाएगा जिसके मैट्रिक लोगे, सपोज को इसकी 100 से 200, तो वाया R2 राउटिंग टेबल में स्टॉप, ठीक है। तो ड्यूअल एल्गोरिथम यूज करते हैं, मैट्रिक्स देखेंगे कैसे हम, मैट्रिक में आपको बताऊंगा, इसके चिंता मत करो, ठीक है। अभी आपको बताऊंगा वो कॉन्सेप्ट आने को, उसको उसके बीच में दो तीन चीजें होंगी, देखो कुछ चीजें होते हैं वो देख लो सबसे पहले, क्योंकि मैट्रिक जानने के लिए इन चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। वो कौन कौन सी है, एक तो है FD, एक है RD, FAD बोल देते हैं, ठीक है जी। FD क्या बोलती है, फिजिबल डिस्टेंस होता है, और RD क्या होती है, रिपोर्टेड डिस्टेंस। या फिर इसको एडवर्टाइज डिस्टेंस भी बोल दिया जाता है, ये AD वो AD नहीं है, 90 होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव वाला समझने लग जाओ, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, ठीक है। ये AD अलग है, तो इसे मैं जनरली RD के नाम से कॉल करूंगा, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, ये AD वो AD में, ठीक है। ये AD डिफरेंट AD है, कहीं इसको समझ लगे ये इधर भी AD 90 होती है, ये AD अलग है, ठीक है। इसको मैं RD के नाम से कॉल करूंगा। एक होता है FD, फिजिबल डिस्टेंस, एक होती है RD, रिपोर्टेड डिस्टेंस, ठीक। ऐसे इसमें दो चीजें होती है, एक होता है सक्सेसर, एक होता है फिजिबल सक्सेसर। जो सक्सेसर होता है वो क्या होता है, बेस्ट पाथ, ट्रैफिक इनसे जाएगा। फिजिबल सक्सेसर ये बैकअप है, किसका सक्सेसर, सक्सेसर कहा होगा तो ये बैकअप एक्शन में आ जाएगा, फिजिबल सक्सेसर। बात करेंगे इनकी क्या होती है, ये देखो R1 है, H1 टू H2, फिर H2 टू H1 हमें कम्युनिकेट करना है, ठीक है। तो R1 के पास R1 यार इसकी राउट, इसकी जो टोटल, इसके पास ये भी राउट आएगा और 11 वाला भी आएगा, ठीक है। तो इसकी मैट्रिक कैलकुलेट करेगा, क्योंकि जब मैट्रिक कैलकुलेट करता है दो दो चीज हमेशा कैलकुलेट करेगा, करेगा एक FD वैल्यू, एक RD वैल्यू। ये दो वैल्यू कैलकुलेट करेगा, FD एंड RD, ये दो वैल्यू कैलकुलेट करेगा, कौन कौन सी, FD एंड RD, ठीक है, FD एंड RD, FD एंड RD। अब होगा क्या, ये मैट्रिक होती है यार, ये कैसे कैलकुलेट होंगे, मैट्रिक वाले फॉर्मेट से कैलकुलेट होंगे, FD एंड RD जो मैंने बताया था, 10 टू द पावर 7 / बैंडविड्थ,
प्लस डेली अपॉन में टेन इंटू टू फाइव सिक्स, यही फॉर्मूला दोनों का। अब आर वन के बाद से मैं टेन वाले फिक्स के लिए क्या करेगा, एफ डी कैलकुलेट करेगा, ठीक है, आर वन एफ डी कैलकुलेट करेगा। तो एफ डी कहाँ से कैलकुलेट किया जाती है, सबसे पहले तो ये समझो, एफ डी हमेशा अगर आर वन कैलकुलेट करा ना, आर वन से आप देख लो तो आर वन खुद से कैलकुलेट करेगा भाई कितना कितनी मैट्रिक है इसके जिसके, ठीक है। मतलब कहने का क्या मतलब है, अगर आप बॉम्बे टू दिल्ली जा रहे हो तो बॉम्बे से टिकट का किराया देख रहे हो, ना कि कहीं बीच में से, कि आप कहीं आपको बेंगलोर होके जाना है कि बेंगलोर से देख रहे हो, नहीं, आप देख रहे हो जहां जिस लोकेशन पे आप वहां से किराया चेक कर रहे हो, ठीक है। भाई जैसे मुझे अभी नैनीताल जाना है या फिर मनाली जाना है, अब अपने घर बैठा हूँ तो मैं क्या करूँ, अपने घर से और जो भी अपने, अगर मुझे कश्मीरी की बस वगैरह मिलती है तो मैं वो भी अपना जो फेयर है ऐड करूंगा, ठीक है, एंड टू एंड कंप्लीट। एक होता है भाई कश्मीरी गेट से कितना किराया लगेगा, एक होता है आपके घर से कितना लग जाएगा। जब घर से लग रहा है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, कितना एफ डी एक्चुअल वो आपकी क्या फिजिकल डिस्टेंस, आपको क्या बताइए टोटल मैट्रिक बताती है, क्या बताती है टोटल मैट्रिक, टोटल मैट्रिक कहां से कहां तक, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, मेरे घर से मनाली सोर्स टू डेस्टिनेशन टोटल मैट्रिक जितना टोटल किराया लगता है, ठीक है। तो आर वन से कैलकुलेट होगा ये वाले प्रीफिक्स की, ठीक है, दो वैल्यू कैलकुलेट होंगी एफ डी की, एक तो ऊपर से करेगा एक नीचे वाले से कैलकुलेट करेगा, ठीक है। एफ डी वैल्यू यहाँ से कुछ कैलकुलेट कर लेगा सपोज एक्स आ गई, ठीक है, और इधर से भी करेगा सपोज करो वाई आ गई। अब आर डी भी कैलकुलेट करेगा ऊपर से भी और नीचे से भी, ये दो चीज हमेशा कैलकुलेट होंगी। आर डी वैल्यू क्या होगी भाई, आर डी हमेशा पता है क्या होती है, आर डी वो डिस्टेंस है जो आप ये बताते हो कि कश्मीरी गेट से कितना किराया लगेगा, ठीक है। वो ये नहीं देखते कि आपको घर से कश्मीरी गेट तक कितना पहुंचने लगेगा, उसकी टेंशन नहीं है भाई, आप कैसे पहुंच जाते हो ना बता देते हो कि भैया मुझे नहीं पता तेरा घर से कश्मीरी गेट कितना दूर है, वो तो अपने आप देख लिया, लेकिन कश्मीरी गेट से तेरा हजार रुपये लगेगा या फिर दो हजार रुपये लगेंगे मनाली तक जाने के, ठीक है। तो ये हुई डिस्टेंस आर डी कि भैया नेबर से कितना टाइम लगता है, नेबर से कितनी कॉस्ट है आपकी, नेबर से कितनी मैट्रिक है। तो R1 क्या करेगा, बताएगा कि R2 से कितना, R2 से उसकी कितनी मैट्रिक है, ठीक है, R2 से कितना है दूर, ठीक है, R2 से सपोज करो कितना है जेड है, ऐसे ही देखेगा नीचे वाले पास से कि R3 से कितनी मैट्रिक है इसकी, R3 से अपने नेबर से कितना है, नेबर से टोटल मैट्रिक कितनी है, कितनी है A है सपोज करो। तो RD क्या है, टोटल मैट्रिक फ्रॉम नेबर टू डेस्टिनेशन, एफ डी आर डी क्लियर है, ये क्लियर है। ठीक है जी, तो पता होगा कि जिस भी पाथ की एफ डी लोअर होगी ना, जिस भी पाथ की एफ डी लोअर होगी, या तो ऊपर से लोअर होगी आर टू या नीचे से, जिस भी पाथ की एफ डी लोअर होगी, ऊपर से एफ डी वन है नीचे से एफ डी टू है, जिस भी पाथ की लोअर एफ डी होगी उसी पाथ को क्या बना लेगा, बेस्ट बना लेगा, वही उसकी क्या होगी लोअर मैट्रिक होगी, ठीक है। वो देखेगा कि लोअर एफ डी कौन सी है, मैट्रिक तो है एफ डी आर डी है, ठीक है। देखिएगा जिस भी पाथ से लोअर लोएस्ट एफ डी मिल रही है ना, लोएस्ट एफ डी उसी पाथ को क्या करेगा, राउटिंग टेबल में क्या कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा उसी पाथ को, राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेगा। उसके लिए क्या होना चाहिए, एफ डी की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। जो भी कंपेरिजन होगा, जो आपके इलेक्शन होगी कंपेरिजन होगा, वहाँ पे जिस भी पाथ से आपको लोअर मेट्रिक मिलेगी उसी पाथ को क्या बना लेगा, बेस्ट बना लेगा, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है,
ठीक है फिर इसके बाद हम कल करेंगे।